हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और आज मैं ये भुने हुए जो चने होते हैं इनकी मैं नमकीन बनाने वाली हूँ। इन्हें ऐसे खाने में इतना मज़ा नहीं आता है, अगर आप इसकी नमकीन बना के खाओ तो बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप चाय के साथ खाइए, चाहे आप वैसे भी खाइए, बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल रख दिया था थोड़ा सा गर्म करने के लिए। तो ये गरम हो चुका था तो मैंने इसमें ये चने डाल दिए थे, और इसको हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने तक भूनना है। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इनका टेस्ट बेकार हो जाएगा। इनको ओनली 2 से 3 मिनट तक इस तरह से भूनना है तो इनका कलर है वो ब्राउन हो जाए। तो अगर मेरा कोई चैनल नया देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो ये देखिए, इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इनको मैं अब निकाल देती हूँ थाली में। बस आपने इतना ही भूनना है, जो इसका कलर है वो चेंज होना चाहिए, और जो हमारा बचा हुआ तेल है वो कढ़ाई में ही रहने देंगे, ये बाकी और चीज़ के काम आ जाता है फिर। और यहाँ पे मैंने इसे थाली में रख दिया है। अब मैं इसमें जो अपने मसाले हैं वो मैं ऐड करके बताती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप वो डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है खट्टा मीठा का। तो मैंने चाट मसाला भी डाल दिया है। अब मैं हाथों की सहायता से इनको अच्छे से मिला लूँगी, और इसको पूरा इतना मिलाना है कि आपने पूरा अब्जॉर्ब करना है, कि ताकि जो मसाले इसमें अच्छे से घुस जाए। और मैंने इसे छोटी प्लेट में सर्व किया है। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो? तो आप इसे कहीं भी कभी भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी होते खाने में। ओके, बाय, टेक केयर।